जिले के निजामुद्दीन स्थित मरकज से कार्यक्रम में शामिल होकर संभल में रह रहे दो जमातियों के मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस की मौजूदगी में इन दोनों को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। भारतवर्ष में लॉकडाउन के बाद दिल्ली के मरकज की घोर लापरवाही से देश में मचे बवाल ने केंद्र और प्रदेश सरकारों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज से निकलने के बाद देश के विभिन्न प्रदेशों में पहुंचे इन जमातियों ने कोरोना मरीजों के ग्राफ को तेजी से बढ़ा दिया है। वहीं इसमें से लगभग एक दर्जन लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये लोग देश के विभिन्न शहरों में चोरी छिप कर रह रहे हैं। केंद्र प्रदेश योगी सरकार द्वारा बढ़ती गई सख्ती के बाद प्रदेश के शहरों से इनके मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज जनपद संभल के सदर तहसील क्षेत्र से दो जमातियों के मिलने से संभल का पारा जरूर चढ़ गया है। इनकी सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने दोनों को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है तथा सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भिजवा दिए गए हैं। इस विषय में जिलाधिकारी अविनाश किशन सिंह ने बताया कि दोनों जमातियों को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है तथा उनके सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भिजवा दिए गए हैं। ये अभी आया, करीब आधा घंटा हुआ है। संभल के पंजू सराय के बताए जा रहे हैं, दिल्ली से जो वर्कर्स से लोग आए हैं उनमें से दो लोग हैं। अभी इनका सैंपल लिया जा रहा है, सैंपल लेके अलीगढ़ जांच के लिए भेजेंगे। वहाँ से जैसी रिपोर्ट आएगी तब आपको बताएंगे। दो लोग आए थे इस संबंध में, उन दोनों लोगों को यहाँ हमारे संभल के जो संयुक्त जिला चिकित्सालय है उसके आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर लिया गया है। हमारे प्रारंभिक जांच मेडिकल टीम द्वारा की गई है। हमारे उसके हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड में उनको दाखिल करके उनकी सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। उनके सैंपल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, ये है। दूसरा ये है, वो